कई सालों से वैज्ञानिक सॉफ्ट रोबोट डेवलप करने में जुटे हैं। ये रोबोट उस जीव से प्रेरित है जिन्हें किसी भी काम के लायक नहीं समझा जाता। हम बात कर रहे हैं केंचुए की। हालांकि केंचुओं की खूबियां अपने आप में काफी अनूठी हैं। मसलन ये मिट्टी में काफी अच्छी खुदाई कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी घुस और मुड़ सकते हैं। स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के रिसर्चर्स एल्सा एराजोला के मुताबिक केंचुए काफी लचीले होते हैं। केंचुए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो अभी मशीन भी नहीं कर सकती। यही वजह है कि रोबोटिक्स केंचुए विज्ञान, रक्षा, चिकित्सा, कृषि जैसे कई क्षेत्रों में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सॉफ्ट रोबोटिक्स ग्रुप के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो केंचुए की तरह चल सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि रोबोटिक केंचुआ मूव कैसे करेगा। दरअसल रोबोटिक केंचुए को आगे बढ़ाने और पीछे सरकाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर का इस्तेमाल होता है। इनका बनाया रोबोटिक केंचुआ आकार में हल्के डंबल की तरह है जिसमें जेल भरा हुआ है जो इसके मूवमेंट में मदद करता है। अमेरिका की नोट्री डेम यूनिवर्सिटी की एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कहना है कि आईआईटी ग्रुप का ये इनोवेशन रोबोटिक्स की दुनिया के लिए अहम है। जीई के मैकेनिकल इंजीनियर का कहना है कि रोबोटिक केंचुए बहुत अच्छी सुरंग खोद सकते हैं। केंचुए जैसे रोबोट का इस्तेमाल माइनिंग, एग्रीकल्चरल सेंसिंग और दूसरे ग्रहों में मिट्टी के नमूने लेने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज, राहत एवं बचाव ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। कैमरा युक्त रोबोटिक केंचुआ आसानी से छोटी सी छोटी जगह जाकर दबे लोगों का पता लगा सकता है। हालांकि अभी इस दिशा में काफी काम किया जाना बाकी है।